आओ जवानों जड़ वेले मेरे कमली वाले परमा कोई बिलाल नु खरीद के लाया वे इश्क दी दुनिया दा इमाम अबू बकर नु ख्याल आया अबू बकर ने गुलाम आप खरीदे ने एक यार दी मर्दी दा खरीद लाई अबू बकर जड़ वेले टुरे टुरे मक्के दी मंडी दी अंदर आए ते ओ मैया चौक ज बिलाल अबशी नु पिया मार दई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने ते रखे आए ते बिलाल बेहोश ने जेड़ा गुजर दो दे हाथ विच जो आंदा है ओ बिलाल नु मार के गुजर जांदा है लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशा पे वेखदे ने हजरत सिद्दीक अकबर कोलो गुजरे फरमांदे ने ओ मैया क्यों मारने ओ गरीब ने तेरा की बिगाड़े है ओ मैया बड़े गुस्से दे अंदर कहन लगा एडा गुस्सा लग दई खरीद ले फरमाया बोली बोल मैं घरों ही ऐसे कम आया मक्के दी मंडी ते गुलाम पे बिक दे मक्के नक चौधरी जिदा नाम है अब्दुल्ला बिन जुदान बहुत अमीर इंसान थे मक्के दी मंडी च एक गुलाम खरीदन टुरया ते एक गुलाम दे सामने खलो के पुछदा तेरा नाम की है अख्या गुलाम दा नाम है बिलाल हुन मैं इश्क दी वादी च चलया हौले हौले जिन्हें मेरे नाल चलना बोले सुभान अल्लाह मैनू नहीं पता थोड़ी सुभान अल्लाह की आदत है कि नहीं मगर मेरी आदत है सुनने की भाई यह सुभान अल्लाह का पेट्रोल दें दे जाए जिते मैं इंशाल्लाह गड्डी मदीने तक ले जावांगा ग्रामी कदर हजरात खरीदार पे पूछदा तेरा नाम की है अख्या बिलाल खरीदर वाला पूछदा कदे गुलामी कीती है अख्या जी मैं भी गुलाम हां मेरा अब्बा रुबाह भी गुलाम है मेरा दादा भी गुलाम सी मेरी मां भी बांदी है मैं खानदानी गुलाम हां खरीदन वाला खरीदारी तो पहले पूछ रहा था इंटरव्यू कर रहे कह लगा कोई काम कर लेना अख्या जी मैं सारा कुछ कर लेना मक्के दी मंडी च बोली लागी ते अलमा वैसी साहब उन्हें कौड़ियां दे भा खरीद लिया इश्क वेख गया गली विच ते कौड़ियां दे भा वेख गया बाजवा साहब कह रहे सन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दा जिक्र भी जरूर करया जे इत्थे बिलाल विकया मक्के दी मंडी विच एक मिस्र दी मंडी च बोली लगी उत्थे यूसुफ विकना सी हजरत यूसुफ अला नबी अलैहि सलाम जदों बचपन च एक दिन ना आईना वेख्या शीशा वेख्या ते अपना हुसन वेख्या ना ते बचपन च अपने आप नूं कहंदे ने मैं ते नबी आ पुत्र भी नबी दा पोतरा भी नबी दा पड़पोता भी नबी दा नबी करीम ने फरमाया करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम चार नस्लां लगातार नबी ते यूसुफ अलैहि सलाम नु ख्याल आया मैं पुत्र नबी दा आप नबी पोतर नबी दा पड़पोता नबी दा ते मैं ते बाजार च नहीं ना विकना पर जे होंदा ना मैं किथे गुलाम दा पुत्र ते मैं बाजार विकना सी ते जिड्डा मैं सोना वा ना मैं बड़ा महंगा विकना सी रब ने बत्ती खोटे सिक्कियां ते वका दित्ता ते आख्या हुसन गणे ते मान ना करी मैं खोटे सिक्कियां ते वका देना नौजवानों इधर यूसुफ अलैहि सलाम जब देख के मिस्र दी मंडी विच आए ना ते एक बोली जब ओथे लगी ते ओथे ते आके फिर ए आलम बणिया के शाह है मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी इथे बत्ती खोटे सी क्या ते वीरां वेच दित्ता ओथे 32 लाख मुल लग गया ते अजे विकदे नहीं जदों 32 लाख दी बोली दी आवाज आई ते यूसुफ अलैहि सलाम रो पे ते वेचन वाला मोड़ के हाथ रख के कंदा रोया क्यों फरमा तू ते 32 खोटे सिक्कियां ते खरीदया सी वीरां कोलों इथे 32 लाख दी बोली लग गई ते अज भी नहीं पिया विकदा उत्तों आवाज आई सोणिया उथे वीरां वेचया सी हुण असी मुल लवावां लगे हां ते फिर शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी अलामा वैजी साहब मैं तो सबू दी गल करन लगा मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह इत्थे बड़ी मोहब्बत दी गल लिखी आ परमात्मा ने ते ना ते खरीदन वाले नु पता किन्नू पे खरीदने ते ना वेचन वाले नु कदर के किन्नू पे वेचने आ आ परमात्मा ने खरीदन दे वेचन दा मदा ते फेरे आना सी आ परमात्मा ने जे कीमत आया है या खूब करें दे
زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او وی قبول نہ پیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او وی قبول फिर मुल लगता कि जुलैखा यकूब नु कहंदी कि एक झलक पुत्र दी विखा ते मैं जान दे देवां ते यकूब कहंदे सानू ये भी नहीं कबूल जे कीमत याकूब करें दे मुल जुलैखा लेंदी जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पेंदी खरीदन दा ते लुत्फ उथे आना सी पर अज यूसुफ दी बोली लग गई इश्क मंडियां च वेखदा रहे बिलाल भी बिक गए खरीदन वाला खरीद के कोड़ियां दे बात घर ले आके कहन लगा मैं तेनों इस वास्ते खरीद के ले आया कि मेरे ऊंट चारिया कर ते रात नूं इक दाने दी बोरी चक्की विच पीस के आटा बनाना ते सारा दिन ऊंट चारने ने यानी ना दिने आराम ते ना रात करारे नौजवानों इन अफसिया नूं अल्लाह ने रंग काला आवाज बड़ी सोहणी दित्ती हुंदी है पहले दिहाड़े जड़े वेले बिलाल ऊंटा दी मुहार पकड़ी मक्के दी चरागाह दे अंदर जाके ऊंट पे चार दे बिलाल नाले ऊंट चार दे नाले दुनिया दे नगमे पे गा देने ओदी आवाज पहाड़ ने टकरा के फरिश्तियां दे कन्ना च पै गई फरिश्तियां नूं बजा दे आ गया फरिश्तियां अर्ज कीती अल्लाह एदी आवाज बड़ी सुरीली है दुनिया दे नगमे पे गांदा है अल्लाह ने फरमा फरिश्ते दरा ठहर जाओ मेरा एक माही आवेगा इनू मैं अपने यार दी गुलामी देवांगा फिर आवाज एदी होवेगी नगमा साडा आवेगा ते जग भी सुनिया करेगा रब भी सुनिया करे एक दिन आवेगा आवाज ते इस काले बिलाल दी होवेगी ते नगमा साडा यानी अजान साडी होवेगी अल्लामा इकबाल ने फरमाया अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी नमाज फकत तेरी दीद का बहाना बनी अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी बिलाले हबशी एक दिन ना चक्की पे चला दे ते हमसायां दा एक गुलाम जिदा नाम है अम्मार बिन यासिर ओ भी ते ए भी इकट्ठे बह के चक्की पीस रहे ते यार बन गए वक्त गुजरता जा रहा ते अम्मार बिन यासिर ते बिलाल इकट्ठे रात नूं चक्की चला दे ने ते अचानक बिलाल फरमांदे ने एक रात ना ओ गली विचों एक सोहना जिहा गुजरिया ओ गुजरिया की बिलाल फरमांदे ने मेरा दिल भी नाल ही लै गया अम्मार बिन यासिर दे मोड़े ते हाथ रख के फरमांदे ने अम्मार ओ ओ ओ ओ सोहना जिहा कौन गया ते अम्मार फरमांदे ने बिलाल तैनूं नहीं पता है कौन है आख्या मैं मक्के च नवा नवा आया ना ते मैनूं नहीं खबर के कौन है कहन लगे इहदा नाम मुहम्मद है इहदी सूरत भी सोहनी ते सीरत भी सोहनी काबे दे मतवली दा पोता है कुरैश दे सरदार दा बेटा है बिलाल फरमांदे ने बस हुण सोहना की गुजरिया मेरा दिल भी नाल ही लै गया आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुंडल काले कुंडल इस ज़ुल्फ़े महीद चाल चले हुन केड़ा अख नले अख अख नले अख
मिला मुहम्मद दिल उठ खड़िया दिल मेरा अख नले अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा बिलाल फरमाते ने हुण ते मेरी रातां दी नींद गई ते दिनां दा आराम गया कदे गौर कीता जे के घर विच इक जिद्दी बच्चा होवे ना ते उह सारी रात ना आप सौंदा है ते ना सौण देंदा है सूफिया फरमांदे ने इश्क भी जिद्दी बच्चे दी तरह होंदा है ना सौंदा है ते ना सौण देंदा है इश्क आ जाए ते फिर नींदा नहीं आउंदियां जिदी अख माही न लग जे फिर ओदी अख नहीं लगदी इश्क में ख्वाब का ख्याल किसे न लगी आंख जब से आंख लगी बिलाल दी जदों अख लग गई ना मेरे नबी दे नाल हुण ते रातां दी नींद ते दिनां दा चैन ते करार गया इक रात अमार बिन यासर नूं मार मार के ना ते काफिरां ने हजरत बिलाल हबशी दे कमरे च बेहोश करके सट दित्ता अद्धी रात वेले होश करा के ना ते बिलाल अमार नूं फरमांदे ने तैनूं क्यों मारिया ने अमार बिन यासिर कहन लगे यार बिलाल वेख मैं इन्हां नूं कहना कि रब इक्को ही है ते इह मारदे ने ते बिलाल अमार बिन यासिर नूं फरमावण लगे मारां खाण वालियां गल्लां ते तू आप करना कदे रब भी इक होया है तैनूं नहीं पता आ जिहड़े काबे च 360 बुत ने इह सारे रब ने ते अमार बिन यासिर कहन लगे कि मेरा माही ते कहंदा रब इक्को ही है बिलाल फरमांदे ने तेरा महबूब कौन है ते बिलाल कहन लगे ओ ओ तेरा महबूब केड़ा है ते अमर कहंदे ने ओ जड़ा सोहना जिहा गली च गुजरदा ते तेनू बड़ा सोहना लगदा है ना ओ मेरा रसूल है ते ओ कहंदा रब इक्को ही है बिलाल सोची पै गए अमर कहंदे ते हाथ रख के फरमांदे ने बिलाल की पिया सोचना है ते बिलाल फरमांदे ने अकल नहीं मानदी कि रब इक होवेगा इन्ने रब्बां कोल साडे कम नहीं आउंदे ते इक रब केड़ा केड़ा साडा कम करेगा उंज अकल नहीं मानदी कि रब इक होवेगा पर जे ओ सोहना कहंदा ना फिर इक्को ही होवेगा बिलाल ने कुछ नहीं वेख्या बस मुस्तफा दा हुसन वेख्या ते आख्या जी ओ सोहना कहंदा ना फिर रब इक्को ही होवेगा ताइयो जड़े वेले बिलाल हबशी ने कलमा पढ़िया काफिर मार के पुछदे ने बिलाल कलमा क्यों पढ़े आई आ फरमांदे सन जालिमो किसे ने चन टुटदा वे के कलमा पढ़िया किसे सूरज मुड़दा वे के कलमा पढ़िया किसे ने पत्थरा नो कलमा पढ़दिया वे के कलमा पढ़िया फरमांदे सन मैं इको ही बिलाल जिन्ने मुहम्मद दा मुख वे के कलमा पढ़िया नौजवान बिलाल ने कलमा पढ़िया रौले पै गए खुले आए कहन लगे तेरे गुलाम मुहम्मद कलमा पे पढ़ देनी अब्दुल्ला भी जदान कहन लगा जिन्हें भी कलमा पढ़े नो मार दे बिलाल फरमा देने मैं ऊंट पिया जा रहा आ फरमा देने मैनू की पता सी मेरे नाल की बनने वाली है फरमा देने मैया ने जाके बालों तू पकड़ के घसीट के मके ले आंदा सारी रात मैया मारदा रहा कंडिया वाली सोटी नाल मारदा है कंडे बिला दियां हड्डियां नाल लग के जिस्म च टुट जांदे ने अगला दिन ओदे गुलाम मार दे रहे जदू दूसरी रात आई हे वाले ओ मैया पे मार दे कंडिया वाली सोटी दे नाल मार दे ते मार के कहन लगा बिलाल दस मुहम्मद दा दामन छड़ना ही के नहीं छड़ना हो बिलाल फरमांदे ने जे ना ओ छड़ा की करेगा कहन लगा मैं तेरी जान कर देवांगा बिलाल हंस के फरमांदे ने कर दे मेरी जान कर दे जे मुहम्मद ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी जे मुहम्मद दा ईमान ही ना रहा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह थके ते नहीं हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए भाई सुभान अल्लाह चलो हुण बोलो सुभान अल्लाह मैं कुछ नहीं कहता नहीं हाथ चुक के बोलो मैं कुछ नहीं कहता भाई
हो सकता किसी नौजवान के ज़हन च ख्याल आवे आसी साहब बार बार कहते हैं हाथ खड़े कर लो हाथ खड़े कर लो, पता नहीं हाथ क्यों खड़े कराते हैं। यकीन करो तो हाथ खड़ा करने से मेरा कोई फायदा नहीं, मगर मैं हाथ इस वास्ते खड़े करवाना कि सूरह यासीन च अल्लाह ने फरमाया अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमाता क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलण लगे। जदों अल्लाह क़यामत नूं पुछे ना साडे हाथ कोलू कि बंदा तेरे नाल की करदा सी, ते हाथ इहनां आखे या अल्लाह दुध च पाणी पांदा सी, पठे बगाने वड़दा सी, हाथ आखे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी। उंज जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी ना मैं ऊंचा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा। इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों बिलाल हुन मारा पै रही हैं, इस तरह करके ने कहते उमैया ने बालों तो पकड़ के ना दर ते बिलाल उते जूड़ा मार के कहता बिलाल। अल्लामा साहिबुर्रहमान वैसी साहब इस तरह करके ना ते बिलाल दी अखे चक पा के फरमांदे ने की आवे बाजवा साहब हुन मैं जेड़ा मुहब्बत है एक नुकता अर्ज करन लगा। ओ दौर सी कि जदों गुलाम अपने आका दी जुत्ती नूं धुप विचों चुक के छावे करदा तो उन्हूं मार पैंदी है कि मालिक दी जुत्ती नूं हाथ क्यों लगाए। पर अज ते हैरत दी गल हो गई कि चौधरी झंझूड़ा मार के ना ते गुलाम नूं कहंदा ओए बिलाल, ते बिलाल चौधरी दी अखे चख पा के फेक के फरमांदे ने की आ ओए वाह गरीबां दा पक्ष करन वाले आ। फबोहित लजी कफर काफिर दे होश उड़ गए। उमैया देखी ये गुलाम मैनू इंज क्यों बुला रहा है। एक गल तुहानू इंज समझ नहीं आनी, मैं तुहानू इन प्रीत नाल एक थोड़ा जा तज़किरा छेड़ के ते मैं समझावां। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अल खसाइसुल कुबरा आपने अपनी किताब दे अंदर लिखिया कि एक दिन हज़रत बिलाल जो आजाद होए ना किसी आके नबी पाक की बारगा चर्ज की यार रसूल अल्लाह बिलाल मक्के की गलियां च बड़ा आकड़ आकड़ के टुरदा है। हजूर ने फरमा बुलाओ ना जरा बिलाल नूं, याद रखियो वो अपनी शिकायतां नबी पाक नूं करदे सन, खुद नहीं सन पढ़दे। एक दिन हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला ते हजरत बिलाल हबशी दी ना गर्मा गर्मी हो गई। अबू ज़र गफारी हुण गफार कबीले दे चौधरी ते बिलाल हबशा दे गुलाम आजाद करदा। हजरत अबू ज़र गफारी नूं गुस्सा जिहा आया ते हजरत बिलाल नूं कहंदे ने चुप कर ओए कालिया। जदों हजरत अबू ज़र गफारी काला आ गया ते बिलाल उठ के खलो के ते गुस्से च आ गया ते आप फरमांदे ने मैं दसना ना हजूर नूं इन्हें मैनू काला आखे आ गए नबी पाक की बारगाह ते बिलाल आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अज हजरत अबू ज़र गफारी मैनू काला आखे नाले बिलाल रोन लग पे। नबी करीम ने फरमा बुलाओ अबू ज़र नू। अबू ज़र गफारी आए ना ते मस्जिद नबी दे दरवाजे च पहुंचे ते नबी करीम बड़े जलाल च फरमा देने आपने फरमा अबू ज़र तेरे विचों अज दौरे जा हलिया दियां आकड़ा नहीं गईया, पानी पानी हो गए। उत्ते खलो के हाथ जोड़ के कहंदे ने कमली वाले तू ते तेरा रब माफ कर ते बिलाल नाल मैं आपे निबड़ लैना। ओ मस्जिद नबी दे दरवाजे दे सामने चौक मदीने दा लोग कट्ठे हो गए ते हजरत अबू ज़र गफारी उस मदीने दे चौके च जमीन ते लेट गए, अपने रुखसार जमीन ते रख के ना ते हजरत बिलाल नूं आवाज़ दे के कहंदे ने बिलाल आ यार अपना पैर मेरे चेहरे दे उत्ते रख मेरी आंख टुट जावे। हजरत बिलाल ने आके ना ते हजरत अबू ज़र गफारी नूं पकड़ के ते उठा के सीने लगा के ते इत्थे बोसा दे के ते फरमा देने ये चेहरा मैं जमीन ते रोलन देना जिहड़ा चेहरा मेरे नबी नूं बड़ा सोहना लगदा है। वाह गरीबां दा पक्ष करन वालिया मैंने जे पढ़िया करना हौसले मौड़ियां दे बतावे पिया आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया हौसले मौड़ियां दे बतावे पिया आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया ते नीरगारां च जाके वगावे पिया जिनू अरशां ते रब ने बुलावे
ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਸੁਲ ਅੱਲਾ ਬਿਲਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਬੁਲਾਓ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਢੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਦੋ ਇਲਾ ਸਬੀਲ ਰੱਬਿਕਾ ਬਿਲ ਹਿਕਮਤ ਵਲ ਵਲ ਮੌਇਜ਼ਤਿਲ ਹਸਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਅੱਲਾ ਵਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੀ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਗਰਨਾ ਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਸਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾ ਉਹ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੌਲੈਂਦ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦਵਾਈ ਬਾਦ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਦੀ يمشون على الأرض هوانا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہندا وا عباد الرحمن جڑے رحمان دے بندے نا يمشون على الأرض هوانا او زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے سبحان اللہ ਉਹ ਬੜੀ ਆਜ਼ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੁਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਲਾ ਤਮਸ਼ੀ ਫਿਲ ਅਰਦੀ ਮਰਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬਿਲਾਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੀਖਾਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਅਕੜਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਜਾਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਫਰਮਾ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਅਕੜ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ
सानू अकड़ा तू दितियां अर्ज की कमली वाले जदों का तेरा इश्क कमा के अमीर आया अज कोई काफिर अकड़ के गुजर जाए अदरों तेरे इश्क की आवाज आई पिला कर पिला कर पिला कर ए झूठा हो के आकड़ सकता है तू सच्चा हो के भी आकड़ सकना आपने फरमा पुत्र चौधरी दो होंगे ने हजूर केड़े फरमा जिद को मुरबे उन्होंने चौधरी आंदा जिद को बैंक बैलेंस डेरेदारी नौकर चाकर वाल हो पुत्र चौधरी आंदा गड्डी शड्डी ठीक होवे उन्होंने चौधरी कहंदे ने ते गुलाम ने ते मुरीद ने अर्ज की बाबा जी दूसरा चौधरी केड़ा होंदा है आपने फरमा पुत्र मुरबिया वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है मुस्तफा का कमी बन के मर जाए कबर च भी चौधर चुंदी रवे सोने का कमी बन के मर जाए कबर च भी चौधर चुंदी रवेगी नहीं तो जाओ डाल दे हजे तो 11 बजे ना किधरे 2:30 बजे भी जाके दाता साहब वेख लिया जे बाबे दी चौधर है ना अजे भी जेडे कुरान पढ़ के वली बने उन्होंने कबर से अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा अजे जेड़े मुस्तफा दे दर्द फकीर होके मर जावन फिर उन्होंने कबर च भी चौधरां जुंदियां नौजवानों बिलाल हबशी के बाल पकड़ के ना इस तरह जोड़ा मार के उमैया कहंदा बिलाल फरमा किया है कहंदा कुछ नहीं बिलाल फरमा दे हुण बोलना कह लगा मैं तेनों बस इतना पूछना है कि तेनों दर्द नहीं होंदा मैं तेन मार मार के थक गया तू कदे हाय भी नहीं कीती कदे ए भी नहीं आख्या कि मैंने छोड़ दे ते तेन दर्द नहीं होंदा बिलाल हबशी उन्हें फरमा दे जरा करीब हो उमैया करीब होया ते आप फरमा दे कान च मेरी गल सुन उन्हें कान करीब किया ना ते आप वो कान च फरमा दे है तू बेईमान है पर मैनू ईमान नाल दसी कदे इश्क किया ही उमैया उठ के कहंदा ओ की होंदा फरमा जाओ जालिमा ते पता ही उन्हों होंदा जिन्हें कीता होवे तू कीता ही नहीं तेनों की पता इश्क केड़ी बला दा ना है कहन लगा तू दस दे बाबा बुल्ले शादी जबान ची अर्ज कराऊं ते बिलाल कहन लगे इश्क करदा सदा अपनी मर्जी ते कम नए राबे खदा खुराबे खदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी द कम नए राबे खदा ना खुराबे खदा ए जिथे जावे झुका देवे आशिक दसर नए काबा ते ना करबला वे खदा ए जिथे जावे झुका देवे आशिक दसर नए काबा ते ना करबला वे खदा उमैया कहंदा मैं तेनू पूछा तेनू दर्द नहीं होंदा तू इश्क सुना रहे बिलाल फरमांदे ने कदे गौर कीता जद तू मैनू मारन वास्ते ए इंज करके कोड़ा चुकना ते मैं अख बंद कर लैना उमैया कहन लगे ते मैं हर वार वेखना मैं जद तेनू मारा तू अख बंद कर लैना फरमांदे ने तू इश्क नहीं ना कीता तेनू इस वास्ते खबर नहीं इश्क दी दुनिया दा कानून है आशिक जद भी अख बंद करे ना ते सामने माशूक आ जांदा है मुहिब अख बंद करे सामने महबूब आ जाता है तालिब जदू अख बंद करे सामने मतलूब आ जाता है फरमाते ने मैं बिलाल जदू अख बंद करा मेरा रसूल सामने आ जाता है ते आप फरमाते ने तू कोड़िया की गल करना कि मैनू दर्द क्यों दा फरमाते ने इश्क विच ते यार सामने होवे जान निकल जाती है पता लगता ही नहीं भाई वेखो ना जब जुलैखा ने दिल दिता ना हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु इना कहते हजरत यूसुफ का किस्सा भी विच टोर के रखे जे मैं नाल नाल इंशाल्लाह अपने उनवान दे तहत अर्ज कर रहा
जो सुलेखा ने दिल दिता ना हजरत यूसुफ नु ते सहेलियां मेना मार के कह लगियां नी तू मलका होके गुलाम नु दिल दिता है। बजोता मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमांदे हुंदे ने कि उस वेले तक इश्क मुकम्मल नहीं आंदा जद तक कोई यार दा मेना ना मारे। इश्क मुकम्मल उस दिन आंदा जद कोई यार दे मेने मारे। जुलेखा ने जो मेना मारिया ना सहेलियां कह लगी मलका होके गुलाम नु दिल दिता है। आप फरमा दिए चुप नहीं तुसा मेरा यूसुफ अजे वेख्या नहीं। कह लगियां भी खा दे। मुफस्सरीन फरमांदे ने बीबियां बहाना बनाया सी कि उंज यूसुफ नजर नहीं आंदा चलो इंज तां वेखा गियां। कह लगी एडा ही सोना तेरा यूसुफ ते वखा दे। आप फरमा दिए सेब खाओ ते मैं यूसुफ लेके आई। सेब कट रही थे आके हजरत जुलेखा ने अर्ज की हजूर अजरा मेरिया सहेलियां को गुजरे आज। यूसुफ अलैहिस्सलाम तुरे थोड़ा जा नकाब सरका के ते वेखन वालियां दा की हाल होया। पढ़ा कुरान बेमुर्शद नाल मैं कदे बोलिया ही नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया चुप रवे ते जड़ा दरूद दी लोरी ते पालिया ओ बोले सुभान अल्लाह। कई बंदे चौधरी बैठे होंदे ने कहंदे भी डर लगदा है पर मैं तुहानू दस्या चौधरी असल हुंदा केड़ा है। जड़ा असली चौधरी बैठो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वक्त तो नहीं दिया हुल्ला व कुल्ला परवरदिगार ने परमा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेखिया उन्हां दी उंगलियां कट गईयां उंगलियां दे टुकड़े हो गए। नौजवान ढेर वाले किड्डी मोहब्बत दी बाहां ते जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेखिया उन्हां दी उंगलियां दे टुकड़े हो गए। वाह कमली वाले तेरे हुसन तो कुर्बान जावा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेखिया उन्हां दी उंगलियां दे टुकड़े हो गए। मुहम्मद दी उंगली वेख के चन दे टुकड़े टुकड़े उते हुसन वेख के उंगलियां दे टुकड़े होए। इतने मेरे माही ने उंगली उठाई ते उंगली दा हुसन वेख के चन दे टुकड़े हो गए। अज कोई बड़ा सोहना होवे ते मां कहंदी मेरा चन वर्गा। इत्थे चन वर्गा नहीं आप चन। मेरे यार दी उंगली दा हुसन वेख के चन दे टुकड़े हो गए। दे वाले मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे। सारी दुनिया दे हसीना दा जमाल एक पासे मेरे माही दी जुल्फ दा वाल एक पासे। बिलाल फरमाते ने इत्थे ते यूसुफ नू वेख के उंगलियां कटियां जान पता नहीं लगदा ते मेरे सामने मेरा कमली वाला मैनू तेरे कोड़ियां दी की खबर होवे। मैं ते हुसन मुस्तफा ही वेखदा रहना। कर्नल साहब वैसी साहब मैं बचपन च जदों अपने वालिद गिरामी खतीबे पाकिस्तान अलामा मुहम्मदी लतीफा सी रहमतुल्लाह अलैह ने जदों प्रोग्रामां ते जलसियां ते जांदा सा ना ते मेरे वालिद साहब जदों हजरत बिलाल हबशी दा किस्सा बयान करना ते आप दे जदों जुल्म जिहड़े कीते गए आप ते उह सितम अलामा इकबाल ने फरमाया सी ना कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वो जदों सितम दा जिक्र करना ना ते मैं बचपन च जदों ए बच्चियां तरह मैं बैठा सोचना करना कि मार ते अबू जहल नूं पैनी चाहीदी सी। वो रब दा दुश्मन सी। मार ते अबू लहब नूं पैनी चाहीदी सी रब दा दुश्मन सी। उतबा उतैबा वर्गियां नूं पैनियां चाहीदियां सन रब दे दुश्मन सन। भाई मार ते फिरौन नूं पैनी चाहीदी सी ना रब दा दावा करके बैठा के मैं रब आ नमरूद नूं मार पैनी चाहीदी सी। पर हैरत दी गल जिन्ना आख्या अना रब्बुकुम अलआला मैं वड्डा रब आ जिन्ना रबूबियत दे दावे कीते उन्हां नूं अल्लाह ने बादशाहियां ते शहनशाहियां दित्तियां। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਲਕ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਦੇ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ
उन्हें फरमाया कि आसी साहब जरा मेरे तो थोड़े तो अगला जमाना से ना जे बुजुर्ग बैठे चिट्ठिया दाड़िया वाले मिट्टी के बर्तन विकते सन बाजार पिंड की माई ने जो बाजार बर्तन खरीद जाना उन्हें को कनाली को तबाक को प्याला खरीदना कि इस तरह तली ते रख के ना इस तरह ठोक के बजा के चेक करना जे खनक की आवाज आनी तो बर्तन खरीद लेना कि पक्का है जे कच्ची आवाज आनी तो दुकानदार नो बर्तन वापस करके कहना यह पिल्ला है कच्चा है इन्हों पट्ठी च होर पकाओ तो बाबा जी सूफी साहब मैनू फरमावन लगे आसी साहब कच्चा पांडा तो माई नहीं खरीदती इंसान भी जो इश्क की मंडी च विकन आता फिर यार भी ठोक के बजा के वेखदा किधरे कच्चा ही तो नहीं आ गया फिर उन्हें इश्क की पट्ठी च पहले पकाया जाता है जो पक जाए फिर मुल लगते बिलाल भी जो इश्क की मंडी च मार खा खा के पक गए ना एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कोई है जेड़ा मेरा बिलाल खरीदे तवज्जो है मेरे बाल भाई सारे यह जो महीना कल का शुरू होया ना जी अज दूसरी रात है हजरत ताजदारे सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा माहे मुकर्रम में विसाले पाक दा नौजवान जड़ वेले मेरे कमली वाले फरमा कोई बिलाल नु खरीद के लाया वे इश्क दी दुनिया दा इमाम अबू बकर नु ख्याल आया अबू बकर ने गुलाम आप खरीदे ने एक यार दी मर्दी दा खरीद लाई अबू बकर जड़े वेले टुरे टुरे मक्के दी मंडी दे अंदर आए ते ओ मैया चौक जे बिलाल अबशी नु पिया मार दई कई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने ते रखे आए ते बिलाल बेहोश ने जेड़ा गुजरदो दे हाथ विच जो आंदा है ओ बिलाल नु मार के गुजर जांदा है लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशा पे वेखदे ने हजरत सिद्दीक अकबर कोलो गुजरे फरमांदे ने ओ मैया क्यों मारना है ओ गरीब ने तेरा की बिगाड़े है ओ मैया बड़े गुस्से दे अंदर कहन लगा एडा गुस्सा लग गई खरीद ले फरमाया बोली बोल मैं घरों ही ऐसे कम आया बिलाल आज दूसरी बार विकन लगे हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने मैया नो बोली बोल किने दा बेचना है बिलाल लोग कठे हो गए गर्मा गर्मी होगी बाजार मैया नो ख्याल आया मैं ते बिलाल नो बेचना ही नहीं इन्हों ते मैं चौके च मार मार के अज मारन ले आया कि ए मर जाएगा ते गुलाम डर दे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़ेंगे पर उन्होंने लबा चो निकल गया कि खरीद ले मैया नो ख्याल आया होवे ना ते बिलाल दी बोली एडी उच्ची लगावा कि अबू बकर खरीदे ही ना सोच सोच के कहन लगा जे बिलाल खरीदना ते 1000 दिरम लगदे कौड़िया के भाव विकन वाला ते 1000 दिरम जदों मंगनो भैया ने ते लोग टुर पे कि 1000 बिलाल दा किन्ने देना है पर वाह सिद्दीक मैं तेरे भी इश्क तू सदके जावा 1000 दिरम दी थैली कढ़ी ते मैया दी तली ते रख दी इत्थे सुभान अल्लाह कहनी सी जी काफिर दे होश उड़ गए बिलाल दा मैं 1000 दिरम मंगया ते अज 1000 दिरम मंगया बिलाल एडा महंगा किवें हो गया मुकर गया काफिर जिन्हें कह लगा नहीं नहीं मैं 2000 कहने सा जी मैनू भुलेखा लग गया सिद्दीक अकबर दूसरे 1000 दी तली ओदी तली ते रख दी कहन लगा नहीं नहीं अजे सौदा पक्का नहीं होया कि अबू बकर मैं सुने तेरे को एक मिस्र दा गुलाम है निस्तास बड़ा खूबसूरत गुलाम सी ते बड़े पैसे कमा के मालिक नु रोजाना देंदा सी कहन लगा ओ भी मैनू दे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने ओ भी तेरा कहन लगा ओदी बीवी फरमा ओ भी तेरी बांदी ते लौंडी कहन लगा ओदे बच्चे फरमा ओ भी तेरे गुलाम बाजार दे लोग मैया नु कहन लगे कुछ हया कर सौदा करके मुकरना है अबू बकर ने इन्ना तेनू कुछ दे दिता हुण दे बिलाल अबू बकर नु ओ मैया तो गल ना बनी ते अबू बकर सिद्दीक नु कहन लगा चल जा बिलाल नु ले जा कई मन दा पत्थर हजरत सिद्दीक अकबर ने धक्का दे के जदों अब बिलाल दे सीने तो हटाया ना ते बिलाल बेहोश ते खून पिया वगदे हजरत बिलाल हबशी दा दामन पकड़ के ना ते हजरत अबू बकर सिद्दीक हला के फरमांदे ने उठ बिलाल तेरे खरीदार आए ने बिलाल उठन ते उठे न जावे हजरत सिद्दीक अकबर सहारा दे के बिलाल हबशी नु उठा के ना ते बिलाल दा बाजू अपने मोढे ते रख के जदों टुरे ते सारे मक्के दे चौधरी पे वेख दे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जे दो चार कदम उठाए ना ते ओ
उमैया ने आवाज दे के आख्या अबू बकर कह लगा अबू बकर मेरी गल सुन। हजरत सिद्दीक अकबर मुड़ के फरमा जी कह लगा मैं ते सुनया सी तू अरब दा बड़ा सियाना ताजे ने पर अज ते बड़े घाटे दा सौदा कीता है। फरमा किस तरह? उमैया कह लगा मैं भी ताजर हां तू भी ताजर है। ओ बिलाल है जिन्हों कौड़ियां दे भाव वेचिए ते खरीदा कोनी तू हजारां दा खरीद के लै चलिया एडे घाटे दा सौदा। हजरत सिद्दीक अकबर इश्क दे बंदे सन ना मुड़ के फरमान लगे मैं वाकई बड़ा सियाना ताजरा। उमैया कह लगा अज ते बड़े घाटे दा सौदा कीता ई। सिद्दीक अकबर फरमान लगे घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कर लिया ए। उमैया कह लगा मैं ते हजारा कमाए नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमान लगे जालमा ए बिलाल मेरे यार नु पसंद आ गया है तू ते हजारा दा बेच दिता है। अज कदे रोम ते फारस दी बादशाही मंगदो मैं बिलाल दे कदमा तुवार के सत देनी सी। उमैया कह लगा मैं हजारा कमाए ने। सिद्दीक फरमांदे ने जालमा इस बिलाल नु खरीदन वास्ते अज कदे मैनू बिकना पैंदा आप बिक जाना सी बिलाल खरीद लेना। फरमाया